सीएम मोहन यादव मंगलवार को दिल्ली रवाना हो गए थे। यहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान शिवराज सिंह ने कृषि भवन में सीएम मोहन के साथ बैठक की। इस बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह से मांग की कि कोदू कुटकी बाजरा को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत लाया जाए। यशस्वी कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान साहब के ऑफिस में आया था। मध्य प्रदेश की हमारे कुछ विषय थे जिन विषयों पर आज विस्तार से चर्चा भी हुई, कुछ निर्णय भी हुए। एक निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोत्साहन देते हैं श्री अन्न करके, ऐसी हमारी अपनी राज्य की फसल कोदो कुटकी वो MSP में छूट गई थी। मैंने माननीय कृषि मंत्री जी के सामने वो विषय रखा। रागी उसके इक्विवेलेंट एक फसल है, उसके बराबरी से उसको MSP में लाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। अभी आपको बताएंगे आपने उस बात को माना है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार से हमारे अपने सरबती गेहूँ या बासमती चावल या मूंग की फसल का रकबा खरीदी में उसका दायरा बढ़े। आपने भी सुझाव दिया कि हमारे यहाँ दलहन की फसलें बहुत अच्छी है, इस तरह से भी बढ़ना चाहिए तो दलहन का पूरा उत्पादन बढ़े। सीएम मोहन के प्रस्ताव को कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने सहमति दे दी है। उन्होंने बताया इससे किसानों को फायदा होगा, तो वहीं उन्होंने सीएम मोहन की भी तारीफ की। एक मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया, मोहन जी उस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वो ड्रिप और स्प्रिंकलर, प्रधानमंत्री जिनका पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो मध्य प्रदेश ने कैनाल इरिगेशन छोड़ के प्रेसराइज पाइप वाली प्रणाली अपनाई है जो देश में एक उदाहरण है। लेकिन वहां हम क्या करते हैं कि 2.5 एकड़ के चक के सामने एक आउटलेट देते हैं। अब उसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर का सिस्टम अगर किसान लगा ले तो उसको बहुत फायदा होगा और वो ज्यादा सिंचाई कर पाएगा। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश के टारगेट बढ़ने चाहिए, तो मध्य प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है इस क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश की इस बात पर भी हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। एक छिंदवाड़ा जिला छूट गया था PM जनमन योजना में, वहाँ भारिया नाम की एक हमारी जनजाति रहती है, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है। तो जनमन योजना में उनको भी, क्योंकि विशेष पिछड़ी जनजाति है, उसको भी जोड़ने का काम करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण विषय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ विभाग के सामने रखे हैं, तो मध्य प्रदेश के और देश के विकास के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री जी के हर जो विषय उनने रखा उसको बहुत गंभीरता से लिया है। कई पर अभी तत्काल हमने फैसले किए हैं और कई ऐसे हैं जिन पर नीतिगत विचार करेंगे। आपको बता दें कि जब से शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बने हैं वो लगातार किसानों के लिए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। वहीं अब कोदो कुटकी बाजरा को भी MSP में शामिल किया जाएगा। कोदो कुटकी बाजरा का MSP रागी बाजरा के समान होगा जो 4,290 रुपए प्रति क्विंटल है, जिसके बाद MP में आदिवासी किसानों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।